अगर आप पहली बार कचनार पकाने वाले हैं तो, तर तर तो, तो आपके लिए कुछ अहम बातें जानना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आज आपको बताऊंगी बताऊँगी बिसमीम वेलकम टू माय चैनल मैं हूँ फ़रार और मैं बनाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़ चलें जी सबसे पहले तो नंबर वन ये कि आपको पता होना चाहिए कि किचनार जो है वो थोड़ी सी कड़वी या कसैली बनती है जब हम इसको बनाते हैं इसके अंदर कड़वाहट होती है इसलिए उसको डील करना बड़ा ज़रूरी है कि उसको आपको किसी ना किसी तरह से कम करना है या मास करना है ताकि खाने में मज़े की लगे क्योंकि कुछ ले, कुछ लोग तो ज़रा कड़वी चीज़ें पसंद करते हैं खाना जैसे करेले भी ज़रा कड़वी साइड पे हो तो उनको अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पसंद होता ठीक है जिसके लिए कुछ लोग कचनार को उबालते भी हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन उससे उसकी झज़ाइत जो है वो ज़ाया हो जाती है इसलिए कचनार को अगर आप बगैर उबाले पकाएँ और उसकी कड़वाहट को भी आप किसी तरह ख़त्म कर सकें तो क्या ही बात है जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसमें क्या डालना है आपको उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा दही डालना है जी बिल्कुल ठीक है और कचनार को अगर हम गोश्त के साथ बनाते हैं तो तब भी उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है और उसका मज़ा बढ़ जाता है सबसे बड़ी बात ठीक है और गोश्त डालेंगे और साथ उसके क्या आप डालेंगे ज़रूर दही अब दही जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में डलता है आ, और ये मस्ट इंग्रेडिएंट है ये नहीं कि अब आप एक कप दही बस डाल दें अगर आप एक किलो कशनार बना रहे हैं तो आपको कम से कम उसमें एम रखना चाहिए आधा किलो दही का ठीक है अगर आप उसमें आधा किलो दही डालते हैं तो उसको मज़ेदार होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती मैं आपको बता दूं इसलिए झिझकनाएं नहीं है दिल खोल के दही डालना। है दूसरी चीज़ उसमें होती है कि घी अगर आप उसमें घी मतलब घी तो खैर हर चीज़ का इस शॉर्टकट है कि आपने किसी चीज़ को मज़ेदार बना तो उसमें चंगा घी टका के ठोक दो <laughs> मैं तो कहूँगी कि जो अनाड़ी होते हैं ना पकाने वाले उनको ये ट्रिक आता है तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दूंगी आप टका के घी डालें हाँ ठीक है इसमें मुनासिब घी डलता है थोड़ा सा ज़्यादा डलता है आम सब्जियों से लेकिन अगर आप कॉन्शियस हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की जैसे मैं बिल्कुल नहीं कोशिश करती कि मैं ज़्यादा घी डालूँ और क्योंकि अब मैं ज़्यादा हेल्दी साइड पर होती जा रही हूँ तो इसलिए मैं बिल्कुल घी को अवॉइड करती हूँ तो इसलिए बेझक होकर कचनार पकाएँ अगर आप इस बात का एक बात का ख्याल रख लेंगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड और कचनार बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप देख ही रहे हैं इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे सक दे देती हूँ दे सकती नहीं दे देती हूँ ठीक है कचनार को बड़े गोश्त के साथ बनाया मैंने छोटे गोश्त के साथ बनाया मैंने चिकन के साथ बनाया कचनार को आप कैसे महफूज कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं ठीक है, है? ये सारी वीडियोज़ मेरी अवेलेबल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मज़े मज़े की कचनार बनाएँ और उसकी हेल्थ बेनिफिट्स उठाएँ क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए आती है इसलिए ज़रूर बनाएँ ज़रूर पकाएँ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पकानी चाहिए ताकि बच्चे भी इंट्रोड्यूस हों इस नई सब्जी से और उसके टेस्ट से यम यम चलें जी, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएँ कि कचनार आप पहली बार बना रहे हैं तो ज़रूर लिखें कि मैं पहली बार बना रही हूँ और अगर आप रेगुलर बनाते हैं तो आप क्या मस्ट इन्ग्रीडियंट डालते हैं उसमें चलें जी कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाफ़